नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, जहां यूपी में निकाय चुनाव दो चरणों में होने हैं और दूसरे चरण का नामांकन किया जा रहा है, जिसको लेकर भाजपा के दूसरे चरण के उम्मीदवारों को लेकर एक बड़ी बैठक आज मुख्यमंत्री आवास यानी कि 5 कालिदास मार्ग पर होनी है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होगी, जिसमें दोनों उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे, जबकि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो जहां एक तरफ यूपी में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज और दूसरे चरण के नामांकन लगातार जारी है, तो वहीं आज अहम बैठक होनी है भाजपा की कोर कमेटी की। आज बैठक होगी जिसमें दूसरे चरण के प्रत्याशियों की एक लिस्ट तैयार होगी, साथ ही दूसरे चरण के प्रत्याशियों के नाम पर आज मुहर भी लगाई जा सकती है। इस बैठक की अध्यक्षता सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे, जबकि बैठक में दोनों डिप्टी सीएम के साथ भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। तो आज भाजपा की एक अहम बैठक होनी है नगर निकाय चुनाव को लेकर। वहीं अगर नगर निकाय चुनाव 2017 के नतीजों पर एक नजर डालें, तो 2017 में बीजेपी ने 88% मेयर की सीटों पर अपना जो है वो कब्जा किया था, तो वहीं पालिका अध्यक्ष की 35% सीटें ही भाजपा के खाते में आई थी। तो ऐसे में निकाय चुनाव काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव को एक लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि ये आम जनता का चुनाव होता है, ये गली मोहल्ले और वार्डो का चुनाव होता है, और इस चुनाव के जरिए ही जो सरकारें हैं, जो तमाम पार्टियां हैं, वो ये जानने की कोशिश करती हैं कि आखिर जमीनी स्तर पर किसकी पार्टी कितनी लोकप्रिय है और जनता का साथ किसको मिला हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़े हैं। विभांशु, जो एक तरफ है तो वहीं आज भाजपा की अहम कोर कमेटी की बैठक होनी है, ये बैठक कहाँ होनी है और किस तरीके से इस बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा होगी? जी मुस्कान, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को लेकर जहां सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं, साथ ही पहले चरण का नामांकन संपन्न हो चुका है और अब बात करें तो दूसरे फेज के नामांकन के दौर शुरू हो चुका है। उससे ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़ी बैठक आज रखी गई है। आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में निकाय चुनाव के संबंध में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री समेत दोनों डिप्टी सीएम, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह समेत कई अति विशिष्ट नेतागण मौजूद होंगे। अगर मुस्कान बात की जाए तो इस बैठक से ये निष्कर्ष निकालने के लिए बैठक रखी गई है कि दूसरे फेज में जो टिकटों का बंटवारा होना है, और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद दिल्ली जाएंगे और वहाँ से प्रत्याशियों की नामों पर आखिरी मुहर दिल्ली दरबार से लगेगा। इसको लेकर बैठक की गई है। तो इस बैठक चरण पर एक नजर डालें तो इस दौरान 9 मंडलों में चुनाव होने हैं, जिसमें आजमगढ़ की सीट काफी अहम मानी जा रही है, तो इसको लेकर किन किन के नाम अभी तक सामने आ रहे हैं? मुस्कान, आपको बता दें कि आजमगढ़ की सीट पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं देखे तो धर्मेंद्र यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, उनको भारतीय जनता पार्टी के दिनेश लाल उर्फ निरहुआ की शिकस्त के बाद कहीं ना कहीं आजमगढ़ को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक अलग ही प्लान बनाकर तैयार है। क्योंकि बात की जाए तो आजमगढ़ में 10 विधानसभा लगते हैं और 10ों समाजवादी पार्टी के साथ में है, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि आजमगढ़ को लेकर क्या रोड मैप बनाया जाता है और किस प्रत्याशी को उतारा जाता है। साथ ही आपको बताया कि आजमगढ़ की अगर बात करें तो मुस्लिम और यादव बाहुल्य क्षेत्र है और इसको मद्देनजर रखते हुए माना जा रहा है कि किसी यादव बिरादरी से ही टिकट दिया जा सकता है। आपको साथ ही बता दें कि जहां पहले फेज में जो तमाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नॉर्म्स रखे गए थे, नियम रखे गए थे, उसी के मद्देनजर रखते हुए किसी विधायक, सांसद या ब्लॉक प्रमुख या जिला पंचायत अध्यक्ष जो ऑलरेडी सीटों पर तैनात है, जो आश्रित है, ऐसे लोगों के परिजनों को या उनके रिश्तेदारों को
टिकट नहीं देने पे भी चर्चा हो सकती है। साथ ही आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में एक लक्ष्य रखी है कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट देना, जिससे महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ सके। और साथ ही ओबीसी जिस तरीके से अतीक अशरफ हत्याकांड हुआ तो उस दौरान भाजपा पर कई इल्जाम लगाए गए कि भाजपा जो है वो धर्म को देख करके राजनीति करती है और जो लोगों का जाति है, जो समुदाय है, उसको लेकर राजनीति करती है। तो ऐसे में क्या दूसरी लिस्ट इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाएगी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अतीक अहमद की हत्या के बाद कहीं ना कहीं जो प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है कि प्रदेश के अंदर में भयमुक्त और अपराध मुक्त बनाना, मगर अतीक अहमद की हत्या के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी को कहीं ना कहीं एक डैमेज कंट्रोल के तहत एक नए मास्टर प्लान के साथ चुनावी मैदान में उतरना होगा। उसको लेकर भी बात की जा सकती है। अतीक अहमद की हत्या के बाद जो तमाम मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं जहाँ पर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज उनके इजाफा हुआ था, मुस्लिम समुदाय का वोट मिला था, तो उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने पाले से बाहर न जाने को लेकर कुछ ऐसी भी चीजों पर बात कर सकती है, मंथन कर सकती है, जिससे वो पसमंदा और साथ ही साथ जो मुस्लिम समुदाय के लोग जो भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखते हैं उनका विश्वास न टूटे, जिसको लेकर कोई बैठक में चर्चा की जा सकती है। जी ठीक है विभांशु, आज एक अहम बैठक होनी है भाजपा कोर कमेटी की, तो उस दौरान जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि प्रत्याशियों की एक लिस्ट तैयार हो जाएगी, तो क्या ये लिस्ट सिर्फ आज की बैठक में तैयार हो जाएगी या फिर आगे आने वाले दिनों में कुछ बैठकें और होंगी? अगर बात की जाए मुस्कान, तो आज की बैठक में जो दूसरे फेज के प्रत्याशी हैं उनके नामों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही आपको बताएं कि इस नाम जो नामों पर चर्चा की जाएगी इसकी रिपोर्ट को संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह इसे दिल्ली दरबार लेके जाएंगे और दिल्ली दरबार को तय करना है कि किन प्रत्याशियों को कहां से उतारा जाएगा। इसको लेकर अगर बात की जाए तो जो मंडल के प्रभारी बनाए गए हैं उनकी भी रिपोर्ट को दिल्ली दरबार भेजा जाएगा, यहां चर्चा की जाएगी और दिल्ली दरबार से टिकट फाइनल होगा। अगर बात करें फेज टू का, तो आपने देखा कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी दिल्ली दरबार जाते हैं, उसके ठीक एक दिन बाद टिकटों के बंटवारे की सिलसिला शुरू होता है। ठीक वैसे ही माना जा रहा है कि आज देर शाम या कल सुबह प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह एक बार फिर दिल्ली दरबार जाएंगे, जहां वो शीर्ष नेतृत्व और संगठन के शीर्ष नेताओं के साथ बैठकर चर्चा करेंगे, जिसके बाद टिकटों का फाइनलाइजेशन होगा। जी ठीक है विभांशु, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से आप लगातार हर वार्ड में जा रहे हैं, हर वार्डों की पड़ताल कर रहे हैं और लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, तो जिस तरीके से भाजपा ये दावा करती है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, तो जमीनी स्तर पर क्या वाकई ट्रिपल इंजन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है? मुस्कान आपको बता दें कि अगर पिछले चुनाव के मुताबिक देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में एक बेहतर रिजल्ट के साथ चुनावी मैदान में चुनाव संपन्न की थी, उसका कहीं ना कहीं उनकी साख बचाने की चुनौती है। अब बात करें तो प्राइम टीवी टीम लगातार प्रदेश के अलग अलग कोनों में जाकर नगर संग्राम के माध्यम से आम जनमानस के समस्याओं को पटल पर रख रही है, तो कहीं ना कहीं एक स्वच्छ भारत अभियान की जो योजना है उसमें तमाम जो पार्षद हैं वो कहीं ना कहीं इस योजना की पुलिंदा लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे जनता कहीं ना कहीं नाखुश है। और देखने वाली बात ये होगी कि जनता इस बार किस मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी या किन दलों को समर्थन देती है। साथ ही अगर बात की जाए तो अतीक अहमद की हत्या हो और साथ ही प्रदेश के अंदर में जाति जनगणना की मांग हो, उसके ठीक बाद अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है, क्योंकि तमाम विपक्षी दल जाति जनगणना को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि विधानसभा चुनाव के बाद ये दो प्रमुख मुद्दे क्या निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कुछ डैमेज देती है, वो चुनाव के नतीजों के बाद साफ हो पाएगा। बिल्कुल, धन्यवाद दिवांशु हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आपको बताते चले कि आज निकाय चुनाव पर भाजपा कोर कमेटी की एक अहम बैठक होनी है, जो कि शाम 5 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होगी, जिसकी अध्यक्षता सीएम योगी आदित्यनाथ खुद करेंगे। तो इस दौरान दूसरे चरण के प्रत्याशियों की एक लिस्ट तैयार होगी, जिसको दिल्ली दरबार भेजा जाएगा और दिल्ली दरबार से फाइनल मुहर लगने के बाद ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जाएगा।
सपा नेता अब्दुल्ला आजम खान दोष सिद्धि मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। जी हां, सपा नेता अब्दुल्ला आजम खान दोष सिद्धि के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, जहां आज इस मामले पर उनकी सुनवाई भी होनी है। तो अब्दुल्ला आजम की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। वहीं अब्दुल्ला आजम ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। दरअसल जो हाईकोर्ट है यानी कि और रामपुर की जो MP MLA कोर्ट है, उसने अब्दुल्ला आजम को 15 साल के पुराने मुकदमे में दोषी करार दिया था, जिसके बाद अब्दुल्ला आजम की विधायकी तक चली गई थी और उसी स्वार सीट पर उपचुनाव होने हैं। 10 मई को उसी स्वार सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिससे पहले अब्दुल्ला आजम के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर आज एक अहम सुनवाई होनी है। बताते चले कि 15 साल पुराने मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोष सिद्ध पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और इस फैसले के बाद आजम खान को दोषी ठहराए जाने और 2 साल कैद की सजा सुनाए जाने के बाद अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द कर दी गई थी। अब इस मामले को लेकर अब्दुल्ला आजम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई होनी है। तो आपको बताते चले कि रामपुर के MP MLA कोर्ट ने ये सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी चुनौती दी गई थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर के MP MLA कोर्ट के फैसले को यूं ही बरकरार रखा था, जिसके बाद अब्दुल्ला आजम की विधायकी चली गई थी और आज उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, आज अब्दुल्ला आजम को दोषी सिद्ध के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, तो क्या कुछ दलीलें उनके वकील ने पेश की हैं? देखिए, ये अब्दुल्ला आजम एक पहले ऐसे नेता है जिनकी 2 बार जो है उनकी सदस्यता रद्द की गई है। इसके पहले अगर बात की जाए तो मामला सामने आया था कि उनकी आयु जो है 21 वर्ष से कम थी, तब उनकी सदस्यता रद्द की गई थी। उसके बाद वो MLC बने, उसके बाद फिर रामपुर की विधानसभा सीट से उनको चुना गया। और ये जो मामला है वो 15 साल पुराना मामला है, जब वो एक धरने के दौरान सड़क अवरुद्ध करने का मामला आया था, जिसमें रामपुर की MP MLA कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी और इस सजा के खिलाफ जाकर हाईकोर्ट में याचिका जो है अब्दुल्ला आजम और उनके वकील ने डाली थी, लेकिन हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी उनकी सजा को बरकरार रखा है। अब जहां रामपुर और छानबे की विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, तो उपचुनाव की तैयारी हो रही है, वहीं सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए अब्दुल्ला आजम उनके वकील जो है आज सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका डाली थी उसकी सुनवाई को भी तैयार सुप्रीम कोर्ट हो गया है। ये सुनवाई DY चंद्रचूड़ और PS नरसिम्हा राय की अध्यक्षता में होगी। हम आपको बता दें कि ये जो सुनवाई है इस पे काफ़ी ज़्यादा नज़र रहने वाली है, क्योंकि जब ये मामला हुआ था 15 साल पहले, उस समय अब्दुल्ला आजम एक जुवेनाइल थे, यानी बालिग नहीं थे। उस हिसाब पे जो उनके वकीलों का तर्क है कि जब वो बालिग नहीं थे उस समय की घटना है, और जो ये सजा सुनाई गई है MP MLA कोर्ट के द्वारा, जब 2 साल की सजा सुनाई गई है, तो 2 साल की किसी भी अगर सदस्य को, विधानसभा के सदस्य को या फिर सांसद या विधायक को सजा होती है, तो उसकी सदस्यता रद्द की जाती है। इसके पहले हमने देखा है कि राहुल गांधी के केस में भी यही मामला है, उनको भी 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उनकी सांसदी चली गई। लेकिन अब्दुल्ला आजम के साथ सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि जब उनके ऊपर दोषी सिद्ध जिस समय साबित हुआ था, जिस समय का यह मामला है 15 साल पुराना मामला है, उस समय वो जुनाइल थे, यानी बालिग नहीं थे, 18 वर्ष से कम की उम्र था। तो ये ठीक है विवेक, जिस तरीके से जो अब्दुल्ला आजम है उनके वकील ने ये तर्क दिया है कि जब अब्दुल्ला आजम को दोषी करारा गया तब उनकी उम्र जो है वो 15 साल से कम थी, उस मामले पर उन्हें दोषी करार दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट इस तर्क को किस तरीके से देखेगा आज? देखिए, बिल्कुल, जो जुवेनाइल का मामला है वो सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार से देखेगा कि ये घटना कब की है, कब उनके ऊपर चार्जेस लगे, कब आरोप लगे और दोष सिद्ध कब हुआ। MP MLA कोर्ट में ये दोष सिद्ध हुआ, 2 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन मामला 15 साल पुराना है। उनके वकील, उनकी लीगल टीम लगातार ये दलील दे रही है कि जब ये मामला था तो अब्दुल्ला आजम काफ़ी छोटे थे, एक जुवेनाइल थे, और इस केस को एक जुवेनाइल की तरह हैंडल करना चाहिए, ना कि एक बालिग की तरह। तो ये फैक्टर अब्दुल्ला आजम के साथ जा सकता है। लगातार उनकी लीगल टीम जो है और MP MLA कोर्ट के बाद हाईकोर्ट गई, हाईकोर्ट में उनको राहत नहीं मिली, तो हाईकोर्ट के फैसलों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट गई, और सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस का पैनल है, जो दो जजेस का पैनल है,
वो इस पर सुनवाई करेगा और कहीं ना कहीं ये फैक्टर जो है वो जो लीगल टीम है वो बढ़िया से सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने रखेगी और सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर सुनवाई भी करेगी। देखने वाली बात होती है कि जिस जहां भाजपा से लेकर सपा ने इस सीट पे अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है और अब्दुल्ला आजम लगातार अपनी याचिका को लेकर उच्चतम न्यायालय तक पहुंचे हैं, तो ये देखने वाली बात होगी कि उच्चतम न्यायालय से अब्दुल्ला आजम को कोई राहत मिलती है कि नहीं। अगर नहीं तो किस प्रकार से इस उपचुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के वो विधायक थे, समाजवादी पार्टी ने भी यहाँ से प्रत्याशी घोषित कर दिया गया और भारतीय जनता पार्टी ने अपने गठबंधन दल अपना दल एस से यहाँ उम्मीदवार शफीक अहमद को उतार दिया है। ठीक है विवेक, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है जो कि बहुत अहम मानी जा रही है और 10 मई को इस सीट पर यानी कि स्वार सीट पर उपचुनाव भी होने हैं, तो क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट उससे पहले अपना फैसला सुना सकती है या फिर ये जो सुनवाई का दौर है ये जारी रहेगा? अरे बिल्कुल, उम्मीद यही की जा रही है मुस्कान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो उपचुनाव की तारीखों के पहले तक अपना फैसला दे देगी और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा, वो सभी को मानना होगा, चाहे वो अब्दुल्ला आजम हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो कोई भी हो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बढ़कर जो है कोई फैसला नहीं होने वाला है, क्योंकि MP MLA कोर्ट में इनको 2 साल की सजा सुनाई गई, उसके बाद ये हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से भी इनको राहत नहीं मिली, अब इनकी लीगल टीम जो है अब्दुल्ला आजम की लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट गई है और इसलिए गई है ताकि इनको जो है राहत मिलने की उम्मीद है। इनकी लीगल टीम को लग रहा है कि जुनाइल का मामला है, अब्दुल्ला आजम को MP MLA कोर्ट के द्वारा और हाईकोर्ट के द्वारा एक जुनाइल न देखे एक वयस्क के रूप में देखा गया और उस प्रकार से सुनवाई की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है मामले को शुरू से देखेगा, तथ्यों की जांच करेगा और जब ये घटना हुई, जब ये मामला हुई, जब इनके ऊपर आरोप लगे और जब इनके ऊपर आरोप सिद्ध हुए तब की जो है फैक्ट्स को सुप्रीम कोर्ट बारीकी से देखेगा। DY चंद्रचूड़ और PS नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली बेंच जो है इस मामले की सुनवाई करेगी। धन्यवाद विवेक इस खबर पर जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। UP में जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। पुलिस ने जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली है, वही इसी को लेकर पैदल गश्त भी लगातार जो पुलिस है उनके द्वारा की जा रही है। पुलिस द्वारा उपद्रव करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। वहीं नई सड़कों सहित मुस्लिम बहुल इलाकों पर पुलिस और PSC की तैनाती कर दी गई है। इसी के साथ बता दें कि अलविदा और ईद उल फितर त्यौहार को लेकर ये पैदल गश्त किया जा रहा है। संवेदनशील स्थानों पर पैदल गश्त कर लोगों में सुरक्षा की भावना को जागरूक किया जा रहा है। त्यौहारों को शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न करने के लिए ये सभी तमाम व्यवस्थाएं की है। तो ये हम दो अलग अलग जनपदों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर हरदोई से है तो दूसरी तस्वीर कानपुर से है, जहां आज जुमे की नमाज को लेकर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आई है। साथ ही लोगों को शांति व्यवस्था का एहसास कराने के लिए पुलिस द्वारा इन दोनों ही जनपदों में पैदल गश्त की जा रही है। जबकि अगर हम कानपुर की तस्वीरों को गौर करें तो जहां एक तरफ पुलिस द्वारा पैदल गश्त की गई तो वहीं लगातार धर्मगुरुओं से भी संवाद स्थापित किया गया और धर्मगुरु भी कहीं ना कहीं इस गश्त में शामिल हुए ताकि इस पूरे त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए। अलविदा की नमाज और पवित्र ईद की नमाज दोनों के लिए कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स PAC क्विक रिएक्शन टीम पुलिस बल थानों की पुलिस बल सभी को सभी क्षेत्रों में संवेदनशील क्षेत्रों में और आवश्यकता अनुसार जहां पे इनका डिप्लॉयमेंट किया जाना चाहिए उसके लिए प्लानिंग कर ली गई है। आज कल जुमे के दिन अलविदा की नमाज़ पढ़ी जानी है, साथ ही साथ परसों या संभवतः परसों ईद का पर्व मनाया जाएगा। क्योंकि ये संवेदनशील पर्व है, इसके लिए जो आम जनमानस है हमारा उसमें सुरक्षा की भावना व्याप्त, जो असामाजिक तत्व है उनके दरभय व्याप्त, इसके लिए पुलिस बल द्वारा पूरे जनपद में जो भी संवेदनशील स्थल हैं निश्चित इलाके हैं वहाँ पर फ्लैग मार्च किया जाएगा।
यूपी में जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, क्योंकि आपको बताते चले कि अतीक और अशरफ हत्याकांड के बाद आज यूपी में पहली बार जुमे की नमाज होनी है, जिसको लेकर पुलिस लगातार पैदल गश्त कर रही है। वहीं संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, ताकि अगर किसी भी तरीके से हिंसा फैलाने का कोई भी प्लान हो, अगर किसी की घरों की छतों पर ईंट या पत्थर रखा गया हो हिंसा फैलाने की नीयत से, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जबकि सोशल मीडिया पर भी खासी नजर रखी जा रही है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से अनुचित पोस्ट करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हरदोई से हर्षराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्षराज, अतीक और अशरफ हत्याकांड के बाद आज पहली बार जुमे की नमाज होनी है, क्या कुछ व्यवस्थाएं हरदोई में की गई हैं? देखिए, आपको बता दें हरदोई जिले के जो एसपी राजेश द्विवेदी हैं, लगातार व्यवस्था चाक चौबंद किए हैं, पैदल गश्त कर रहे हैं, पुलिस बल के साथ बराबर कल उन्होंने पैदल गश्त किया है। और यहाँ पे जो यहाँ पे जामा मस्जिद है, जो मेन यहाँ की मस्जिद है, यहाँ पे बराबर व्यवस्था चाक चौबंद किए हैं, पुलिस गश्त कर रही है। उन्होंने अपने जिले में हर जहाँ पे ऐसे जहाँ जुमा अलविदा की नमाज होती है वहां पे पुलिस चाक चौबंद की है, अपने पुलिस टिकट लगाए हुए हैं। हमारे साथ आरिफ खान सानू है, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री हैं, इनसे जानेंगे क्या व्यवस्थाओं को लेके क्या पुलिस चाक चौबंद है। हरदोई में बहुत अच्छी व्यवस्था है, हम लोग जामा मस्जिद के पास खड़े हुए हैं, घंटों के बाद यहाँ अलविदा की नमाज होगी। भारी तादाद में यहाँ भीड़ होती है, लेकिन पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और हमारे जो भी सम्मानित समाज सेवी लोग हैं, उन सबके सरगर्मों से हमारे यहाँ हरदोई में अमन चैन कायम रहता है सदैव, कोई भी समस्या नहीं होती, पुलिस व्यवस्था उचित है। क्योंकि हरदोई सदर विधायक माननीय नितिन अग्रवाल जी ने अपने कार्यकाल में हरदोई शहर में कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं छोड़ी है जो जनता को समस्या पैदा हो। हरदोई का माहौल हम तो देखते हैं तमाम शहरों से, हरदोई का माहौल हमारे यहाँ बहुत अच्छा है, कि हमारे आपसी भाईचारा सदैव कायम रहता है। और हमारा जो हरदोई शहर का सबसे मेन मुंडे में चौराहा है, जो मुस्लिम समुदाय के लोगों में घिरा हुआ है, ज्यादातर आबादी मुस्लिम है, आज तक कोई समस्या नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने जब से 2014 से लेके अब तक का कार्यकाल रहा है बहुत अच्छा रहा है, और हमारे आपसी भाईचारे में बहुत मजबूती आई है। जामा मस्जिद के ठीक सामने हमारे हिंदू भाई रहते हैं, लेकिन कभी भी ऐसी कोई बात नहीं पैदा हुई कि हमारी आपसी कोई टेंशन हो, हम लोग आपसी भाईचारे में कायम रहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ भाई और छोटा भाई बड़े भाई का रिश्ता चलता है, हम लोग आपसी भाईचारे को इतना बढ़ावा देते हैं जिससे कि हमारे शहर की तमाम समस्याओं को दूर किया जाए, चाहे जल की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, सड़क की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्थाएं उचित है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान लेकर काम किया है, और हम सबने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास बनाया है। आने वाला नगर पालिका का चुनाव 4 तारीख को मतदान होगा, हमारे हरदोई शहर के तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताने की मुहिम में लगे हुए हैं। ऐतिहासिक जीत होगी, क्योंकि माननीय मोदी जी, योगी जी ने काम किया है, उसमें जात पात नहीं देखी, छोटा बड़ा नहीं देखा, हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान किया है। ईद को लेके क्या तैयारियां की गई है, इसको लेके क्या कहें? ईद में नमाज होती है, यहाँ मिलना झुकी पर ईदगाह है, हजारों की संख्या में लोग आते हैं, लेकिन पुलिस व्यवस्था उचित होती है, रास्ता रोक दिया जाता है, क्योंकि ईदगाह जो है मेन रोड पर है, मेन रोड पर नमाज नहीं होती है, ईदगाह के अंदर नमाज होती है, व्यवस्थाएं अच्छी है, साफ सफाई की जाती है, कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिससे जनता की समस्या पैदा हो, पुलिस प्रशासन की उचित व्यवस्था होती है। हमारे साथ कुछ और भी है मुस्लिम समुदाय से, उनसे बात करेंगे कि ईद को लेकर क्या यहाँ के प्रशासन ने तैयारी की है। आप पढ़ते निकलेंगे, सभी लोग किसी को हरदोई जिले में दिक्कत नहीं, बाकी अन्य जगह पता नहीं आपके यहाँ। देखिए, आपको बताना चाहेंगे, आज अतीक अहमद हत्याकांड के बाद यहाँ पे शुक्रवार के दिन आज अलविदा की नमाज होनी है, और पुलिस चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हुई है। लगातार जिले के जो एसपी राजेश द्विवेदी हैं,
यहाँ पे पैदल गश्त कर रहे हैं। यहाँ पीछे आप देख सकते हैं ये मस्जिद है, ठीक 1 बजे यहाँ पे नमाज होनी है और यहाँ पे पुलिस पीछे देख सकते हैं पुलिस की चार चौबंद है, व्यवस्थाएं हर तरीके से कर सकती है। जी ठीक है हर्षराज, हमने देखा कि आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि हरदोई में जो पुलिस है वो पैदल गश्त कर रही है, लोगों में जो माहौल है वो कहीं ना कहीं जो है वो काम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर किस तरीके से निगरानी की जा रही है? देखिए आपको बता दें कि जहाँ पे इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, मतलब जहाँ पे अगर उस तरीके लगता है तो वहाँ पे जिले की एसपी ने अपनी पुलिस ब्रिगेड तैयार कर रखी है और हर तरीके से उस मोर्चे को संभालने की तैयारी कर रखी है। जगह जगह उन्होंने अपनी पुलिस लगा रखी है, इसी वजह से यहाँ पे हर तरीके से अच्छी व्यवस्थाएं हैं। जी ठीक है, धन्यवाद हर्षराज हमारे साथ जुड़ते हुए, दर्शकों तक तमाम जानकारी और तस्वीरें पहुंचाने के लिए। तो वहीं हरदोई के सहयोगी ने हम तक लगातार तस्वीरें पहुंचाई कि किस तरीके से आज जुम्मे की नमाज को लेकर वहां की व्यवस्थाएं की जा रही है पुलिस के द्वारा। तो वहीं कानपुर से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम उनसे भी संपर्क साधने का प्रयास करेंगे, लेकिन तब तक हम आपको ये पहले दो तस्वीरें दिखा दें। जहां पहले तस्वीर हरदोई से है तो दूसरी तस्वीर कानपुर से है, जहां जुमे की नमाज को लेकर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तो लगातार पुलिस पैदल गश्त करती हुई भी नजर आ रही है ताकि लोगों को ये भरोसा दिलाया जा सके कि यूपी में कानून व्यवस्था दुरुस्त है, क्योंकि बीते दिनों अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद लगातार यूपी पुलिस पर एक बेहद ही बड़े सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन अब आज जुमे की नमाज है तो उसको लेकर पुलिस जो है वो पूरी तरीके से सख्त है, पैदल गश्त की जा रही है, धर्मगुरुओं से संवाद स्थापित किया जा रहा है ताकि जो आज जुमे की नमाज है और ईद में होने वाली नमाज को लेकर शांति व्यवस्था कायम की जाए, इसको लेकर पुलिस लगातार अलर्ट है। अलविदा की नमाज और पवित्र ईद की नमाज दोनों के लिए कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स PAC, क्विक रिएक्शन टीम, पुलिस बल, थानों की पुलिस बल, सभी को सभी क्षेत्रों में, संवेदनशील क्षेत्रों में और आवश्यकता अनुसार जहां पे इनका डिप्लॉयमेंट किया जाना चाहिए उसके लिए प्लानिंग कर ली गई है। आज कल जुमे के दिन अलविदा की नमाज़ पढ़ी जानी है, साथ ही साथ परसों या संभवतः परसों ईद का पर्व मनाया जाएगा। चूँकि ये संवेदनशील पर्व है, इसके लिए जो आम जनमानस है हमारा उसमें सुरक्षा की भावना व्याप्त, जो असामाजिक तत्व हैं उनके अंदर भय व्याप्त हो, इसके लिए पुलिस बल द्वारा पूरे जनपद में जो भी संवेदनशील स्थल हैं, निश्चित इलाके हैं, वहाँ पर फ्लैग मार्च किया गया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कानपुर से हमारे सहयोगी अनिल जुड़े हैं। अनिल, आज जुमे की नमाज होनी है यूपी में, तो ऐसे में कानपुर में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं और कैसी तस्वीरें कानपुर से सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि आतिक अहमद हत्याकांड के बाद लगातार कानपुर पुलिस और साथ में उत्तर प्रदेश पुलिस हाई अलर्ट पे थी। हाई अलर्ट के बाद जिस हिसाब से जुम्मे का नवाज है, जुम्मे की नवाज है और कल ईद का पर्व है, जिसके चलते कहीं ना कहीं कानपुर पुलिस पूरी तरीके से अपनी कमर कस ली है। कानपुर पुलिस से बता दूं कि लगभग 5,000 नौजवान युवा जो पुलिस है उनको इकट्ठा किया गया है, साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स और जिससे संबंधित जितने भी अधिकारी और फोर्स हैं सभी तैनात की गई है। जिसके अलावा बता दूं कि लगभग कानपुर में पिछले 3 जून को एक बड़ी हिंसा हुई थी, जो हिंसा थी वो जुमे की नमाज के बाद भी हुई थी, जिसके चलते कानपुर में इस बार कोई भी ऐसी कोताही न बरती जाए जिसके चलते कोई बड़ी घटना का रूप ले, जिसके चलते कानपुर प्रशासन और कानपुर जिला अधिकारी और कानपुर के जो मंडला आयुक्त राजशेखर है, इन लोगों ने लगातार बैठक की है। बैठक करने के बाद जितने भी संदिग्ध एरिया है या फिर जहाँ पे घटना होने की आशंका जताई जा सकती है, वहाँ पे कुछ स्पेशल फोर्सेस और LIU कुछ एक्स्ट्रा टीम बढ़ाई गई है, जिससे चलते अगर कोई ऐसी घटना अपनी घटना होती है जिससे आम जनता को या तो कानपुर की जनता को या तो उत्तर प्रदेश में इसकी एक गलत संदेश जाए, जिसके चलते पूरा प्रशासन यूपी में अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद धारा 144 लागू की गई है, तो इसको लेकर लोगों को किस तरीके से समझाया जा रहा है या जो नमाजी आज नमाज अदा करने जाएंगे उनको पुलिस द्वारा क्या कुछ संदेश दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जब कानपुर में इस चीज की 3 जून को एक बड़ी घटना हुई थी, उस घटना के बाद लगातार कानपुर प्रशासन जिस तरीके से एक्टिव है, एक्टिव होने के बाद जितने भी धर्म गुरु हैं, धर्म गुरुओं से इस संबंध में बात की गई है, धर्म गुरुओं से बात करने के बाद में लगातार लोगों से संपर्क साधा जा रहा है। संपर्क साधने के बाद में सभी से इस चीज का आग्रह किया जा रहा है कि
कोई भी जो नमाजी है वो नमाज सड़कों पे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अभी दो दिन पहले ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कानपुर के कमिश्नर और जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा था, और साथ ही एक चीज बोली थी कि किसी भी प्रकार से नमाजी जो है रोडों पे अगर नमाज पढ़ेंगे तो हम भी सड़कों पर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देंगे, जिसके चलते कहीं ना कहीं कानपुर प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो गया था। सभी नमाजियों और सभी धर्मगुरुओं से एक आग्रह किया था कि सभी नमाज जो है जो नमाज क्षेत्र है उसी में पढ़ेंगे, अगर एक बार में भीड़ नहीं हो पाती है तो दो बार में नमाज पढ़े, लेकिन कोई भी सड़कों पे किसी प्रकार की नमाज नहीं पढ़ेगा। और लगातार जो कानपुर के प्रशासन शासन व्यवस्था है चाक चौबंद है, और दोनों कमरों से और LIU के जो कैमरे लोग हैं वो लोग और इसके अलावा जो भी बड़े कैमरेज हैं वो जगह जगह पर लगाए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि कानपुर अक्सर इन सब चीजों में सुर्खियों पर रहा है, तो कानपुर का नाम कहीं प्रदेश में या देश में ना बदनाम हो, इसके चलते कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्रशासन एक्टिव हुआ। देखने वाली बात होगी कि आज जुमे की नमाज है, जब जुमे की नमाज के बाद कल ईद का महान पर्व है, तो कहीं ना कहीं कानपुर प्रशासन इसको लेके पूरी तरीके से सचेत। ठीक है अनिल, आज जुमे की नमाज होनी है तो ऐसे में जो नमाजी है वो मस्जिद के अंदर जाएंगे, तो मस्जिद के बाहर की स्थिति पर किस तरीके से जो पुलिस है वो कंट्रोल करती हुई नजर आ रही है? जी अनिल, तो वापस हम अनिल के पास लौटेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये तस्वीरें दिखा दें कि आज जुमे की नमाज है उसको लेकर जो पुलिस है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है, PSC को भी तैनात कर दिया गया है, साथ ही साथ जो संवेदनशील इलाके हैं हर जनपदों के वहां पर खासी नजर रखी जा रही है। वही अगर कानपुर का जिक्र करें तो 3 जून को हुई हिंसा की तस्वीरें पूरे प्रदेश ने देखी थी, पूरे देश ने देखी थी, तो उससे इस बार कहीं ना कहीं पुलिस ने सबक लिया है और कानपुर में जो एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स है उसको तैनात किया गया है। तो यूपी में जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट हो चुका है। वही अगर कानपुर की बात करी जाए तो कानपुर में जो पुलिस है वो पैदल गश्त के दौरान जो शहर काजी हैं और जो भी धर्म गुरु हैं उनसे भी संवाद स्थापित करते नजर आए, क्योंकि बीते दिनों बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा एक ज्ञापन भी सौंपा गया था कि अगर सड़क पर कोई भी नमाज करता हुआ या नमाज पढ़ता हुआ पाया गया तो फिर जो बजरंग दल के कार्यकर्ता है वो भी सड़कों पर उतर कर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो एक बार फिर से अनिल हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, जाहिर सी बात है कि आज नमाज है जुमे की और नमाजी मस्जिद जाएंगे, तो ऐसे में मस्जिद के बाहर की स्थिति पर कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने क्या कुछ जो स्पेशल व्यवस्थाएं हैं वो की हैं? जी बिल्कुल, बता दूं कि कानपुर में जिस हिसाब से व्यवस्थाएं चौक चौबंद की गई हैं, कानपुर के JCP और कानपुर के जो कमिश्नर है आनंद प्रकाश, JCP आनंद प्रकाश तिवारी और कमिश्नर GP जोगगण लगातार जो भी संदिग्ध क्षेत्र है पिछले एक हफ्ते से जगह जगह पर बातचीत कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, सभी धर्म गुरुओं से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था न फैले। इसके साथ ही जितने भी जहाँ जो भी नमाजी एरिया है, जो भी जहाँ पे नमाज पढ़ी जाएंगी वहां पे एक प्रॉपर बड़ी फोर्स तैनात कर दी गई है जिससे किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो। इसके अलावा जितने भी नमाजी हैं सभी से संपर्क साधा है, संपर्क साधने के बाद सभी से कहा गया है कि अगर एक बार में पूरी भीड़ अगर किसी हॉल के अंदर नहीं आ पाती है तो दो बार में नमाज अदा की जाए। साथ ही अनिल, मस्जिदों के बाहर तो व्यवस्था है चाक चौबंद है, लेकिन अगर भीड़ बढ़ जाती है तो क्या रूट का डायवर्जन किया गया है कानपुर में किसी भी रस्तों पर, या प्रतिबंध किया गया है कि लोग इस रस्ते पर ना जाएं? जी कुछ ही ऐसे क्षेत्र है जहां पर रोडों का डायवर्जन किया गया है, हालांकि किसी भी प्रकार से सड़क पर और रोडों पर नमाज पढ़ने की कोई भी अनुमति नहीं दी गई है। जो भी क्षेत्र है वो एक संदिग्ध जो एरिया है उनको उस पे ही कुछ ऐसे एरियाज है जहां पे रोड डायवर्जन किया गया है, साथ ही जो भी मस्जिद है मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ने के लिए बोला गया है। हालांकि जो कानपुर की ईदगाह है, ईदगाह की जो बहुत बड़ी ईदगाह है जिसके चलते पहले हुआ करता था कि रोडों पे नमाज पढ़ी जाती थी, जिसके चलते कानपुर के जो हिंदू संगठन उन पे इन्होंने आपत्ति जाहिर की थी। आपत्ति जाहिर करने के बाद 2 दिन पहले ही कानपुर के कमिश्नर को एक ज्ञापन दिया था, ज्ञापन में साफ साफ लिखा था कि यदि कोई भी नमाज सड़कों पे पढ़ेगा तो हम भी सड़कों पे निकल के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, जिसके चलते कहीं ना कहीं कानपुर प्रशासन इस चीज को लेकर एक्टिव हुआ। एक्टिव होने के बाद में सभी नवाजियों और सभी धर्म गुरुओं से अच्छा, अनिल यानी कि ये माना जाए जिस तरीके से आपने कानपुर के इस वक्त मौजूदा स्थिति बताई है तो 3 जून को हुई हिंसा के बाद कहीं ना कहीं अब कानपुर की पुलिस ने सबक ले लिया है? जी बिल्कुल, बता दूं कि जो 3 जून की हिंसा थी बहुत बड़ी हिंसा थी, इस हिंसा में काफी घटनाएं भी हुई थी, घटनाओं के बाद लगभग कानपुर में कर्फ्यू भी लगा दिया गया था। कर्फ्यू लगाने के बाद जिस हिसाब से उस टाइम पर जो घटनाएं हुई थी जो कि बिल्कुल भी अप्रिय थी, अप्रिय होने के साथ में जिस हिसाब से कानपुर प्रशासन ने जब देखा कि सब चीजें हो रही हैं तो उन्हीं सब चीजों को देखते हुए कुछ सीख ली थी, और सीख लेने के बाद और इस बार जो अलविदा की नमाज हो रही है, अलविदा का आज आखिरी दिन है और इसके बाद
लगातार पुलिस प्रशासन एक्टिव हो गया है। इसके अलावा बता दूं कि जो प्रयागराज में अतीक और अशरफ हत्याकांड हुआ है, जिसके चलते कहीं ना कहीं कुछ ऐसी व्यवस्था ना हो जिससे कोई बड़ी घटना हो सके, जिसको लेकर कानपुर प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जिला अधिकारी पूरी तरह से एक्टिव है। एक्टिव होने के बाद में लगातार सभी लोगों से संपर्क साधा है। संपर्क साधने के बाद चाहे हिंदू धर्म गुरु हो चाहे मुस्लिम धर्म गुरु हो, सभी से बैठकर प्रॉपर वार्ता की है। बिल्कुल हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आपने देखा कि आज जुमे की नमाज को लेकर हरदोई और कानपुर से हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए थे। उन्होंने वहां की तस्वीरें दिखाई, लोगों से बातचीत की और किस तरीके से वहां पुलिस ने शांति व्यवस्था कायम करने के लिए पैदल गश्त किया, इसकी भी जानकारी हमारे दर्शकों तक लगातार पहुंचाई। तो हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।